नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूजी 2023 काउंसलिंग अपना पांचवा राउंड लगभग कंप्लीट करने वाला है और अभी भी बहुत सारे छात्र बहुत सारे स्टूडेंट्स उम्मीद बनाए हुए हैं कि उनको एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि अभी फिफ्थ राउंड तक लगभग कितनी सीटें जो हैं वो फुल हो चुकी हैं और कितनी सीटें खाली होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है। और मैं आपको एकदम 100% एक बात बोलता हूं, ऐसा एनालिसिस वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि इतने एनालिसिस इतने ऑफिशियल अपडेट्स के बाद भी आप इस चैनल को क्यों नहीं देखते हो। सो फाइनली प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर थोड़ा भी लगता है कि नहीं इस चैनल से आपको बेनिफिट्स मिल रहा है तो एक बार आपको सोचना चाहिए कि हाँ आपको अपने सब्सक्राइब चैनल में इस चैनल को भी रखना चाहिए और ऐसी वीडियोस जरूर देखना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं फैक्ट बेसिस पे बनाए जाते हैं, ऑफिशियल सोर्सेज से बनाए जाते हैं, एनालिसिस करके बनाए जाते हैं। अगर मैं अनऑफिशियल वीडियो भी बनाता हूं तो पूरी कोशिश करता हूं कि जो सिर्फ रेफरेंसेज हो, जो उसके फैक्ट हो, वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल बेसिस पे आप तक पहुंचाए जाए, उसी से लिए जाए। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार मेरे बाकी वीडियोज के रिव्यू देख लें, समझ में आ जाएगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो तरीका है वो कितना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो टाइम लॉस नहीं करूंगा, आइए आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपकी सीटें फुल किस तरीके से की गई हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका फर्स्ट राउंड आया और फर्स्ट राउंड में हजारों बच्चों को एक साथ भेज दिया गया। आप बिलीव नहीं करोगे, बीएचयू में यूजी की जितनी सीटें थी पूरे सीट पे एक बार में अलॉटमेंट भेजा गया अगर पीएच को निकाल दिया जाए तब। मतलब पूरे बच्चों को जो भी रेगुलर सीट पे आते हैं, ठीक है, इन सभी को एक साथ अलॉटमेंट भेजा गया। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा बीएचयू के, नहीं तो हमेशा राउंड चलाए जाते हैं फर्स्ट सेकेंड और उसमें भी एफएमसी के लिए, फिर उसके बाद एफिलेटेड के लिए अलग, पेड के लिए अलग, ऐसे राउंड चलता था। लेकिन आप लोग साथ ऐसा नहीं हुआ, आप लोग में तो एफिलेटेड एफएमसी एमएमबी रेगुलर पेड सबको एक साथ अलॉटमेंट भेजा गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरी सीटों का लोकेशन एक ही बार में भेजा गया था, लेकिन उसमें जो पेमेंट रिसीविंग का रेशियो रहा है वो मात्र 20-25% ही रहा। रीजन आप लोग समझो, क्योंकि जब ये समय चल रहा था फर्स्ट राउंड, उसी समय डीयू ने भी अपना फर्स्ट राउंड निकाला था और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट राउंड वही बच्चे आएंगे जिनका मार्क्स क्या होगा, काफी ज्यादा हाई होगा, और ये हाई मार्क्स वाले बच्चे जो थे वो जनरली डीयू में चले गए। और उतना ही नहीं, मैं आपको कोर्स का भी बताऊंगा किस कोर्स के बच्चे ज्यादा डीयू में गए हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा आज। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में तो 20% और लगभग 25-30% तक रिसीविंग बीएचयू में रहा। उसके बाद उन्होंने काफी 48 घंटे 36 घंटे कट ऑफ अपना रोक दिया और सेकेंड राउंड ले आते हैं। सेकेंड राउंड जब लाते हैं तो इसकी रिसीविंग बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं आपको बस बीएचयू बीए का बताऊं एग्जांपल लूं तो हमारे यहाँ बीए और सोशल को एक साथ रखा इस बार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लगभग फर्स्ट राउंड में जो इनकी रिसीविंग थी बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इनका 55% था और सेकेंड में जो बचा हुआ सीट था उसका जो लोकेशन भेजा गया उसमें भाई 80% था। बचे हुए सीट में जो पेमेंट की रिसीविंग थी 80% थी। मतलब अब बचे होने सीट के जो रेशियो है, जो आपको दिख रहा है ना राउंड्स आ रहे हैं चौथा पांचवा, आप इसमें एक चीज देख रहे होगे कि बहुत कम मार्क्स घट रहे हैं। कुछ कोर्स में घटेगा ज्यादा, जैसे कॉमर्स में आप जाके देखना, कॉमर्स में गैप दिखेगा क्योंकि कॉमर्स के बच्चे ज्यादा भागे डीयू में। ये कॉमर्स के बच्चे हैं जनरली, आप थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजी समझोगे ना, कॉमर्स के बच्चे डीयू जाते हैं, डीयू नहीं जाएंगे तो प्राइवेट में चले जाएंगे, पैसे से भी ठीक ठाक होते हैं, मजबूत होते हैं, पैसा लगाने के लिए भी तत्पर होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बीए और बाकी कोर्सेज के एनालिसिस देखें, शास्त्री का एनालिसिस देखें, बीएससी का एनालिसिस देखें, तो इनकी रिसीविंग जो रही है वो बीकॉम के कंपैरिजन में ज्यादा रही है बीएचयू कैंपस में। यही रीजन है कि बीकॉम का जो रिसीविंग है वो बाकी कोर्सेज से कम है और उनमें कट ऑफ का गैप भी ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन हम लोग बीए में देखें तो अब एक दो नंबर का गैप दिख रहा होगा। बीए एलएलबी की सीट फुल हो चुकी है शास्त्री में, बाकी मैं दिखाता हूं आगे। लेकिन एक चीज देखो, यहां पे मैं यहां माइनस में भी ले आया हूं क्योंकि सीटें खाली भी होने वाली हैं। अभी मैं आप लोग से ही बोलूंगा, आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा तब सीट जल्दी खाली हो जाएगा।
ठीक है, तो 100 में फर्स्ट राउंड में जो रिसीविंग रहा है पेमेंट का वो लगभग 20 से 25 रहा है, और हम लोग अगर सेकेंड राउंड में देखा जाए जितनी अलॉटमेंट भेजी गई उसमें 80% के आसपास रहा है। ठीक है, ये मैं अप्रॉक्स कोर्सेज का आपको एवरेज बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफएमसी एमएमबी और एफिलिएटेड कॉलेज में कोर्स वाइज सीटें कितनी फुल हुई है और कितनी खाली रही है। बीए में देखा जाए तो एफएमसी में लगभग 90% सीटें फुल हो चुकी हैं, एमएमबी में 90% सीटें फुल हो चुकी हैं, एफिलिएटेड में 80% के आसपास सीटें फुल हो चुकी हैं। बची हुई जो सीटें हैं वो बहुत कम बच्चे लेना चाहते हैं, जनरली बीएचयू में हर बार ये सब सीटें खाली ही रहती हैं और अभी खाली होंगी, बताऊंगा अभी सब बता रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखो आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई, नहीं पता चलेगा कहीं किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा ये सब चीजें। बीएलएलबी में 100% सीटें फुल है, एक आंख में भी कोई खाली करेगा तो आपको मिलने की संभावना है, उसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सीटें ही बहुत कम है, 70 सीट ही है तो 70 सीट में लगभग पूरी सीटें फुल हो चुकी है, इसीलिए आप देखो कि बाकी के राउंड्स में इसमें कट ऑफ आए ही नहीं है। ठीक है, बीएससी में लगभग वही 80% सीटें फुल हो चुकी है, 80% एमएमबी में और बाकी एफिलेटेड में, एग्रीकल्चर में भी लगभग 90% सीटें फुल हो चुकी है। यहाँ पे शास्त्री के कुछ कोर्स, क्योंकि शास्त्री में कई कैटेगरी आती है तो कुछ कैटेगरी जो है ऑलमोस्ट फुल है, कुछ के लिए कट ऑफ अभी आ सकती है। अब आप सोच रहे हो कि सर आगे के राउंड्स आएंगे कि नहीं, मैं आपको एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, कमिंग राउंड्स में 6 की पॉसिबिलिटीज है। छठा राउंड आएगा बीकॉम जैसे कोर्सेज को फुल करने के लिए, बी जैसे कोर्सेज को फुल करने के लिए और शास्त्री के सारे कुछ कोर्सेज को फुल करने के लिए, बीएससी में भी कुछ सीटें को फुल करने के लिए आ सकती है, लेकिन उसमें गैप देखोगे ना मुश्किल से 1-2 नंबर का आएगा क्योंकि सीटें ज्यादा बची नहीं है। जनरली 6 राउंड आने का रीजन ये है कि हाँ एक बार ठीक से इसको मेजर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज में सीटें भी ज्यादा खाली हो सकती है, जैसे बीकॉम मैंने बताया उसमें एफिलिएटेड वगैरह है, बीए में भी आप देख रहे हो सबसे ज्यादा सीटें उसमें भी खाली ही है, क्योंकि देखो बीए का कंपैरिजन इस तरीके से करो भाई, बीए में सीट सबसे ज्यादा है बीएचयू में, अब बीएम भाई हजारों की संख्या में सीटें हैं, एमएमबी एफिलेटेड बीए भी है, सोशल भी है, तो इन सब कोर्सेज की कंपैरिजन में ये नीचे के कोर्सेज कंपैरिजन में बीए में ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा सीटें अभी बीए के पास ही है, लेकिन बीए की पूरी सीट हर साल नहीं भरती, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो 6 में भी पॉसिबिलिटीज, 6 के बाद राउंड्स आने की पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही है। इसके बाद पता है क्या करेंगे, इसके बाद ये लोग आपके लिए मॉकअप राउंड का रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। यही पे आप सभी को एक काम करना है जो कि बीएचयू एडमिशन कमेटी को भी नहीं पता है। पता है आप सर स्कैम क्या हुआ है, स्कैम मतलब कि कुछ चीजें आपसे छुपाई गई है या आप लोग जानते नहीं हो, पता है क्या, आप अपनी फीस नहीं जानते हो। अब ये कहानी जो है ना आपका पूरा मतलब मानस पटल खोलने वाला है, मैं सच बता रहा हूं, वीडियो अभी तक जो था वो कुछ नहीं था, यहां सब वीडियो को देखो। लास्ट ईयर लगभग 15% सीट खाली रह गई थी, ये अनऑफिशियली मैं बता रहा हूं, इसका डेटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरे सोर्स से पता चला है वो लगभग कुछ सीटें में, कुछ कोर्सेज में 15% सीट खाली रह गई थी। पता है 85% जो भरी है ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट भरा कैसे, जब उनको अपने सब्जेक्ट्स का पूरा नॉलेज था, जब उनको पता था कि हमारी फीस कितनी है। इस बार के बच्चों को यह नहीं पता है कि बाकी कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कि अब मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, यहां पे ले लो, आपका जो सब्जेक्ट होता है बीएचयू में पढ़ने का उसमें कोर होता है, ठीक है, कोर होता है, उस कोर में 3 सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, सपोज की एक हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या कोई भी चीज है इस तरीके से, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सपोज, लेकिन बाकी का यहां पे जो एक सीट है वो अभी क्वेश्चन मार्क है, और यहां पे भी क्योंकि कोर में टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं, ये दोनों का दोनों जो है ना अभी क्वेश्चन मार्क है भाई। हिस्ट्री तो मिल गया, क्या गारंटी है कि यहां पर आपको कौन सब्जेक्ट मिलेगा, ये तो इन्होंने हाइड करके रखा हुआ है। अगर आप बस एक सब्जेक्ट दिखा के बाकी 2 सब्जेक्ट बाद में इनके फेवरेबल चॉइसेस बेसिस पर नहीं देते हो तो ये एडमिशन कैंसिल करने मजबूर हो जाएंगे। लास्ट टाइम का जो ये 85% दिख रहा है, ये बच्चों को पता था कि हमें कौन सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है, इनको ये भी पता था कि हमारी फीस कितनी है। भाई अभी इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि फी कितना पे करना है।
आप सोच रहे हो कि 2500 रुपए दे दिया आपका पेमेंट पूरा हो गया, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर जो लड़कियां हैं सुन लो, एफिलिएटेड में जाओगे तो बस रेगुलर की फीस जो है, बस रेगुलर की कम से कम आपको 10K देना है, 10,000 देना है, 8 से 10,000 एफिलिएटेड की फी है। भूल से इसमें अगर आपका पेड हो गया तो आपको कम से कम 10 से 15,000 पेड का देना है। मतलब ये 10 और पेड है तो ये 10, कम से कम साल का 20 से 25,000 रुपए आपको बीए के लिए पे करना पड़ेगा। बीकॉम के बच्चों का तो पूरी सीट ही एफिलिएटेड में पेड होती है, 25 से 30,000 रुपए आराम से इनका खर्चा हो जाएगा। तो जिस दिन आपको ये पता चलेगा, बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे। अभी अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करना कि आप क्या इतनी फीस पे करने के लिए हो कि नहीं, करोगे नहीं करोगे, सब्जेक्ट कैसा मिलेगा, क्योंकि ये सब तो अभी पूरा एडमिशन कमेटी को क्या लग रहा है कि भाई हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हम पूरा एडमिशन, भाई एडमिशन कमेटी ने आपसे कुछ चीजें हिडन तरीके से करा ली। सबसे बड़ी बात तो ये चीज इनको कभी नहीं कराना चाहिए था। मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूं कि आप सब्जेक्ट उनको दिखाए ही नहीं हो। भाई बच्चा यहां पे 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा पूरे 3 साल के लिए, आप उन्हें सब्जेक्ट दे रहे हो, एक सब्जेक्ट दिखा के, मानता हूं कि ऑनर्स, लेकिन ऑनर्स बस 3रे साल के लिए अकेले होता है, बाकी 2 साल तो आप इनको भी पढ़ोगे भाई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मान लो किसी बच्चा को हिस्ट्री के साथ असामी मिल जाता है और अरेबिक मिल जाता है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया इसमें दोनों उसके फेवरेबल नहीं है, एक सब्जेक्ट को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन तीन में दो को कैसे हैंडल करोगे भाई, जो आपके एम के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट की जो च्वाइसेज होती हैं वो आपके एम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी करना है, हाँ तो यूपीएससी में कम से कम ऑप्शनल का काम बन जाए, जीएस पेपर का काम बन जाए, यही सोच के तो आप लोगे भाई। या वनडे एग्जाम में जाना है तो हाँ ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना है तो हाँ इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी है, भाई प्लान करके लोगे ना, कुछ भी तो लेकर नहीं पढ़ाई कर लोगे। यही रीजन है कि ये अभी कैंसिलेशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये अभी बहुत कम हो जाएगा जितना इन्होंने पेमेंट, क्योंकि पता है यहां पे इनको काम करना चाहिए। अच्छा यहां पे एक चीज और है, अभी इलाहाबाद का तो अलॉटमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे तो खुद ही बीएचयू छोड़ के इलाहाबाद चले जाएंगे, ये आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे। डीयू का भी कट ऑफ रनिंग कमिंग सून में है, अभी उनके कट ऑफ आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अभी डीयू में जाएंगे ही जाएंगे। आए दिन मेरे यहाँ खुद कैंसिलेशन के मैसेज आ रहे हैं, सर ओटीपी नहीं मिल रहा है, हमें कैंसिल करना है, क्या प्रोसेस है, स्लिप मिलेगा कि नहीं, पेमेंट ऑनलाइन होगा, सब कुछ क्वेश्चन तो आने लगे हैं मुझे कॉमेंट। मतलब रिटर्निंग का प्रोसेस ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो चुका है इसी के पैरल, तो ऐसे में अभी इलाहाबाद स्टार्ट करेगा तो और बच्चे भागेंगे। तो यहां पे भी आपको काम करना, यही बात मैं आपसे बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग रुको थोड़ा सा, आपको देखो करना क्या है। ये लोग मॉकअप राउंड स्टार्ट करने वाले हैं, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो फिर से दूंगा, क्योंकि आपके भलाई के लिए मैं बात कर रहा हूं। मॉकअप राउंड जो है अभी स्टार्ट करने वाले, मैं ये चाहता हूं कि एडमिशन कमेटी मॉकअप राउंड स्टार्ट करने से पहले आपसे बाकी का पेमेंट अभी ले ले, इससे यह तय हो जाएगा कि बीएचयू में कौन पढ़ना चाहता है कौन नहीं पढ़ना चाहता है। उसके लिए ये बच्चों को 48 घंटे दे दें, लगभग 48 घंटे दे दे। अब आप बताओ कि आप सहमत नहीं हो, ये आइडिया कैसा रहेगा? मतलब अभी काउंसलिंग ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो ये क्या करें, मॉकअप राउंड शुरू करने से पहले 48 घंटे के लिए बच्चों को पोर्टल पे उनका बचा हुआ पेमेंट दे दे और बोले कि आप अपना पेमेंट अब सबमिट करो। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो पेमेंट कर चुके हैं हर कोर्सेज में, वो कंफर्म हो जाएंगे, उनसे डेटा कंफर्म हो जाएगा 48 घंटे में कि हाँ भाई चलो ठीक है, आप उनसे पेमेंट लिया, क्योंकि एडमिशन स्टार्ट करना ही है, आपको काम एक हफ्ते बाद करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप मॉकअप राउंड से पहले कर लो। तो यहाँ पे जब 48 घंटे का समय दोगे तो बच्चा अपना पेमेंट करेगा, नहीं करेगा तो वो सीट खाली जाएगी, और वो सीट के बाद आप काउंटिंग करो, पूरी लिस्ट बनाओ और मॉकअप राउंड निकालो, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाए, इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा बच्चों का। और उसके बाद इलाहाबाद भी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है इलाहाबाद के भी आने की संभावनाएं दिख रही है, हो सकता है कि इलाहाबाद भी आने वाला हो, और कुछ बच्चे यहां तक सोच पाए कि हाँ इलाहाबाद में जाना है तो छोड़ने के लिए भी रेडी हो जाए। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इलाहाबाद को भी छोड़ भी दें तो भी पेमेंट बेसिस पे बहुत सारे बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका रहने खाने और इन सब चीजों में कितना खर्चा होने वाला है। तो ऐसे में मॉकअप राउंड शुरू करने से पहले 48 घंटे का एक पोर्टल ओपन करें और उस पे बाकी के पेमेंट से बच्चों से ले लें, क्योंकि उन्हें एडमिशन लेटर देना ही, एक हफ्ते बाद आप दोगे, वो अभी आप दे दो, जिससे कि वो भी एकदम इंश्योर हो जाए। भाई आप भी तो चाहते हो ना कि हाँ आपका एडमिशन एकदम कंफर्म हो जाए, तो आप उनसे बच्चों में पैसे ले लो,
और उन्हें सब्जेक्ट भी सो ही करा दो, अगर ऐसा है तो मैं तो कहूंगा सब्जेक्ट भी सो ही करा दो, बच्चों सब्जेक्ट भी उनको दे दो, वो एकदम कंफर्म तो जाएंगे ना कि हाँ हमें हिस्ट्री मिला, ज्योग्राफी मिला, इकोनॉमिक्स मिला, वो भी खुश, और आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा आपके एडमिशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और फिर जो सीटें बच जाएंगी वो सीटें आप वहां पर राउंड में काउंट कर दो। ये तरीका मुझे लग रहा है कि बच्चों के हित के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि बाद में पूरे साल पता नहीं आप एक महीने का टाइम दोगे उसमें कितने बच्चे सीट छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप स्टार्ट नहीं करोगे, फिर थोड़ी ना हो जाएगा कि फिर काउंसलिंग कमेटी बैठेगी फिर से बोलेगी आ जाओ 20 सीट खाली हुआ, ऐसा नहीं होता है। एक बार काउंसलिंग बंद तो बंद, फिर कोई ओपन ओपन नहीं करता है, रजिस्टर क्लोज हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक सीट की अहमियत समझ ली जाइए और इनको इस पर विचार करना चाहिए। तो आप क्या करो, मैं ट्विटर पर लिख के डाल देता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे रिट्वीट मारो कि कम से कम वीसी और रजिस्ट्रार को पता चले कि इस तरीके का एक प्रोविजन हो सकता है, एक इस तरीके का रूल लाइक एक सजेशन हो सकता है, तो वो उसको फॉलो करेंगे, कमेटी से बात करेंगे, मे बी कमेटी जो है हमारे इस रिकमेंडेशन पे विचार करे, उसे लगे कि हाँ कुछ इसमें फायदा नजर आ रहा है, इनकी सीटें कम से कम कंफर्म होंगी कि हाँ ठीक है कितना पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपसे जो फीस ली गई कमेंटमेंट फी है भाई, कमेंटमेंट फी बच्चे इसलिए पे कर दिए कि अरे चलो चलो पे कर देते हैं बाद में देखा जाएगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग खुद इस चीज को सोच रहे होंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार इस पर विचार करना चाहिए एडमिशन कमेटी को। और फाइनली मॉप ब्राउन का एक वीडियो मैं दे रहा हूं इसके बाद, जिसमें आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा कि मॉप ब्राउन का पेमेंट कितना है, उसका कब तक स्टार्ट हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी पे विचार किया जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देख लीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टा आईडी में दे देता हूं, वहां पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक कॉलिंग का टाइम दूंगा, उस पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है, हर हर महादेव।